अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज फिर मैं एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कंप्लीट एक ब्लॉगर के बारे में, ब्लॉगर पर हम वेबसाइट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और इसके साथ साथ उसका अकाउंट हम किस तरह क्रिएट करते हैं। पहले तो ये कि मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बताता हूँ, हमने कुछ यूं ही वेबसाइट बनाना होगा और बाकी मैं स्टेप वाइज आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि ये देखो, हमारे साथ मूवर है, यहाँ पर हमारे साथ ये राइटिंग मूव हो रही है, यहाँ पर मतलब अबाउट सेक्शन को, सर्विसेज को, इसके साथ साथ मतलब ये सब कुछ हमने एडिट करना होगा। हमने मुख्तलिफ़ किस्म के पोस्ट की है, तो अगर देखा जाए तो ये हमारे साथ एक बहुत ही मतलब अच्छी वेबसाइट है, अच्छी मतलब हमारा जो कंटेंट है अच्छी तरह रखता है। और अगर मोबाइल के लिहाज से देखूँ या इसको मैं छोटा बड़ा कर दूँ तो फिर भी ये हमारे साथ खुद ही मतलब सेट सेट होता है। देखो हमारे साथ पोस्ट हो है, सब कुछ सेट हो गए हैं। तो ये हमारे साथ एक अच्छा ही वेबसाइट है, हमने इसको स्टेप वाइज को क्रिएट करना होगा। हमारे इस कोर्स में हमारे साथ रही है पैरा, इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि हमने एक पोस्ट को किस तरह रैंक करना होगा गूगल पे। तो इसके साथ साथ हम अभी स्टेप वाइज जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है ब्लॉगर, ब्लॉगर को इंटर करते हैं, ब्लॉगर यहाँ से हम blogger.com को यहाँ से ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट पड़ा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, दूसरा अकाउंट इंटर करूँगा यहाँ पर, मतलब आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक और न्यू अकाउंट क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के साथ एक ईमेल होना चाहिए, ईमेल ऑलमोस्ट सबको आता है कि किस तरह क्रिएट होता है। तो यहाँ से मैं इसको ख़त्म करता हूँ, यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं कोई भी ईमेल यहाँ पर इंटर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस ईमेल को इंटर करता हूँ यहाँ से, यहाँ पर उसका पासवर्ड पासवर्ड भी मैं इंटर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ से कंफर्मेशन मांग रहा है हमारे साथ, तो फिलहाल मेरे पास ये एक ईमेल अभी ओपन नहीं है। अगेन मैं ये इसको स्किप करके यहाँ से मैं डन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा हमने उस ईमेल से इसको ओपन किया है। पर बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पर मतलब वो कन्फर्मेशन वगैरह आप लोग मतलब दे सकते हैं अगर आपके मोबाइल में ओपन है, पर मेरे मोबाइल में ये अकाउंट फ़िलहाल ओपन नहीं था इसलिए मैंने कन्फर्म नहीं किया। तो अभी यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना होगा, टाइटल सेट करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर टाइटल सेट करूँगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सिंपल ही यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल जीशान अहमद, निशान अहमद, यहाँ से फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अच्छा यहाँ पर आप ब्लॉग एड्रेस हमने लिखना होगा, तो ब्लॉग एड्रेस के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूट्यूब पे आता हूँ। यूट्यूब पे आने के बाद यहाँ से मैं चैनल को ओपन करता हूँ, मेरा चैनल निशान हॉर्मस के नाम से है। तो निशान हॉर्मस के नाम से मैं एक वेबसाइट पर ट्राई करूँगा, पर यहाँ पर हमारे साथ ऑलरेडी एक मौजूद है, तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, निशान हॉर्मस, यहाँ से जीशान होर्मज, यहाँ पर मैं लास्ट में डबल जेड देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जीशान होर्मज हमारे साथ ऑलरेडी एक मौजूद है। तो मैंने जस्ट एक जेड और भी ऐड किया यहाँ पर। तो इसके लिए फिर मैं अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, डिस्प्ले नेम जीशान अहमद, यहाँ पर मैं लिखता हूँ। अगेन मैं इसको फिनिश करता हूँ। तो फिनिश करने के बाद यहाँ पर हमारे साथ ऑलमोस्ट हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है, यहाँ पर हमारे साथ ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर हमने क्या करना होगा, स्टेप वाइज एक ब्लॉग को क्रिएट करना होगा। ब्लॉग को किस तरह क्रिएट करेंगे
वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अब सिर्फ आप लोगों को बताता हूँ कि हमारा ब्लॉग किस तरह देख रहा है। तो कुछ यूं ही देख रहा है, तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपली एक पोस्ट हमने किस तरह क्रिएट करना होगा, इसके साथ साथ यहाँ पर पोस्ट को रैंक कैसे करना होगा, इसके साथ साथ स्टेट हमारे साथ ये क्या है, कमेंट्स, अर्निंग मतलब कब शुरू होगी, एडसेंस को एक क्रिएट एंड एडसेंस अकाउंट हमने किस तरह बनाना होगा, पेजेस यहाँ पर हमने किस तरह क्रिएट करने होंगे, लेआउट भी बताऊंगा, लेआउट में हमारे साथ क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या करेंगे, और इसके साथ साथ थीम्स हैं, थीम्स को भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि थीम्स हमने किस तरह क्रिएट करने होंगे, थीम्स को किस तरह हमने यहाँ पर कस्टमाइज करने होंगे, मतलब बैकअप, रिस्टोर, स्विच फॉर फर्स्ट जनरेशन, क्लासिक थीम, एडिट HTML, तो ये किस तरह करना होगा। इसके साथ साथ सेटिंग पे, सेटिंग तो ऑलमोस्ट हमारा काम जो है वो सेटिंग में, यहाँ से बेसिक से लेके मैं यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ से जनरल तक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे साथ एक एक चीज़ की क्या फ़ायदे हैं और इसको हम किस तरह बना सकते हैं, किस तरह मतलब सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मोनेटाइजेशन का ऑप्शन भी, मतलब अगर हम इसको ओपन करें तो जब हमें ईमेल आएगा तो किस तरह उसको हमने मतलब सेट करना होगा। इसके साथ साथ रीडिंग लिस्ट, इसको भी मैं बताऊंगा कि रीडिंग लिस्ट हमारे साथ क्या है, यहाँ पर हमने मतलब इसका क्या 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 मानी है, तो ये मैं कंप्लीट आप लोगों को बताऊंगा। इसके साथ साथ यहाँ पर व्यू ब्लॉग, वो तो मतलब जब भी मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो हमारे साथ हमारा अपना ब्लॉग व्यू होता है। तो इंशाल्लाह हमारे साथ स्टेप वाइज रहिए, ये हमारे साथ फर्स्ट डे था जो कि ब्लॉगर में सिर्फ अकाउंट क्रिएट करना था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे कि एक यहाँ पर एक थीम को हमने किस तरह अपलोड करना होगा। तो उसके लिए सिंपल ही है, सिंपल ही ट्रिक है, तो हमारे साथ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही, अगली वीडियो में हमारे साथ रहिए। थैंक्स अलॉट। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।